अब नेक्स्ट है आपका, सीबीएसई ने सैम्पल पेपर जारी किया है 2023-24 का, तो उसके अकॉर्डिंग जो केस स्टडी का जो क्वेश्चन नंबर ये करेंगे D29 क्वेश्चन है आपको, रीड इस पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़िए। तो क्या पैराग्राफ देखिए, सेमीकंडक्टर डायोड क्या बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड होता है, मेटेलिक कॉन्टैक्ट प्रोवाइडेड एट द एंड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज, इट इज़ टू टर्मिनल डिवाइस है, इन एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस सेमीकंडक्टर डायोड एज पी साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल और एन साइड जब नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। अगर इसका अपोजिट करेंगे, अगर मान लो पॉजिटिव को नेगेटिव से नेगेटिव अपोजिट जोड़ेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस कहते हैं। एंड आइडल डायोड इज वन हो द रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायसिंग हम जीरो मानते हैं। आइडल डायोड कौन सा है, एन आइडल डायोड जिसमें रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायसिंग हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं, और रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है रिवर्स बायसिंग के अंदर। तो डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, इट इज़ फाउंड दैट बियॉन्ड फॉरवर्ड वोल्टेज, देखिए ना यहाँ पे बड़े काम की चीज़ है, ये आपकी न्यू वोल्टेज, एंड डायोड इज फॉरवर्ड बायस, इट इज़ फाउंड बियॉन्ड फॉरवर्ड वोल्टेज कॉल्ड न्यू वोल्टेज, कनेक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। मैंने करंट इंक्रीज रैपिडली विद इंक्रीज फॉरवर्ड वोल्टेज, वैन डायोड रिवर्स बायस होता है तो वोल्टेज प्रोड्यूस वेरी स्मॉल करंट, इसको हम लीक करंट भी बोलते हैं, लीकेज करंट बोलते हैं, माइक्रो एम्पियर का होता है, विच ऑलमोस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट विद बायस, स्मॉल करंट रिवर्स सेटुरेशन करंट। ये टॉपिक था, इसके बेस पे आपको ये जो कुछ क्वेश्चन है इसका आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, आपको ये डायग्राम दिया गया, डायोड दिया गया D1, इसका रेजिस्टेंस यहाँ 100 ओम कनेक्टेड है, 3.5 वोल्ट आपकी सप्लाई है, और यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल जो दी गई है आपका डायोड डी के लिए वो कितनी दी गई है, डायोड डी के लिए VD 0.5 वोल्ट दी गई है, तो टोटल वोल्टेज कितनी 3.5। तो डायोड के अक्रॉस निकलने के बाद जो नेट वोल्टेज आएगी भाई वी नेट वो कितनी आएगी, 3.5 घटा 0.5 यानी लगभग कितनी आएगी, 3 वोल्ट आएगी, तो वी नेट आ गई आपकी 3 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना दिया गया आपको, रेजिस्टेंस दिया 100 ओम दिया गया है। निकालना क्या, देखिए आपको दी करंट निकालना है, तो करंट क्या होता है, आई जो करंट होता है वो होता है आपका वोल्टेज बाई में आर, तो वोल्टेज 3 है, आर कितना है 100 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 × 10⁻²² लिख सकता हूँ, और मैं इसको मिली में लिखना चाहूँ तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 10⁻³, तो कितना हो गया 30 mA, तो करंट कितना आ गया आपका 30 mA। तो आपका ऑप्शन ठीक कौन सा है, डी इज द राइट आंसर। अब सेकंड क्या देखिए, आपको क्या दिया गया है, आपको चार ऑप्शन दिए गए, इसके अंदर आपको देखना कौन सा डायोड रिवर्स बायस्ड है। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट के अंदर आप देखेंगे ये कितना है आपका, ये जो पी साइड है ये एन साइड है, तो पी क्या है -5 वोल्ट, कितना -12 वोल्ट है, तो हमें पता -5 क्या होता है, ग्रेटर देन होता है -12 के, तो ये कैसा है, ये फॉरवर्ड बायस है, कैसा है, एफ भी लिख देता हूँ इसके लिए, फॉरवर्ड बायस है। सेकंड देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये अर्थिंग है और यहाँ पे नेगेटिव अर्थिंग, मीन्स यहाँ पे पी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है, तो ये भी क्या हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। अब अगर इसमें देखा जाए आपका थर्ड में देखो, ये +5 वोल्टेज है, ये क्या एन से जुड़ी है, ये एन टर्मिनल है, ये क्या आपके इधर पी वाला है, ये अर्थिंग, इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा होगा, इसका मतलब कौन सा है, सी आपका आंसर है, ये कैसा है, रिवर्स बायसिंग है, आर पी रिवर्स बायसिंग है, तो आंसर कौन सा आपका, सी इज द राइट आंसर। अगर आप फोर देखेंगे तो अगर आप मान लेंगे, अगर इसको मैं, हमारा आंसर तो ये आ गया आपका, ये देखो 10 वोल्ट है, ठीक है ना, ये पी है ये एन है, तो साफ दिख रहा है ये भी क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग है। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, बेस्ड ऑन VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड हम क्लासीफाई कर सकते हैं, तो आपको पता है जो इसकी फॉरवर्ड आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, डायोड की कैसी होती है, आपको पता है कुछ इस तरह की होती है, तो ओमिक कंडक्टर में क्या होती है, स्ट्रेट लाइन आती है, तो हमारे क्या है, नॉन ओमिक डिवाइस है, तो आंसर क्या होगा, नॉन ओमिक डिवाइस है ये, सेमी कंडक्टर की नॉन ओमिक। अब इसका जो और वाला ऑप्शन दिया गया, देखिए यहाँ पे तो हमेशा एक पैटर्न होता है, पी एन
NPNP। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या है, टू आइडेंटिकल पी एन जंक्शन कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज बाई थ्री डिफरेंट मेथड्स देखे गए। ये पोटेंशियल डिफरेंस जंक्शन सेम है देन करेक्ट कनेक्शन क्या होगा, तो करेक्ट बताएं ना आपको ये ध्यान रखना है सेम पैटर्न फॉलो। देखो पी एन एन पी ऐसे नहीं, PNPN NPNP। तो ये जो हमारा सेकंड वाला है ये और ये थर्ड वाला करेक्ट है, तो इसके अनुसार हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट आपका जो फोर्थ पार्ट है इसका, ये जो आपका ये देखिए, यहाँ पे आपको एक करेक्टरिस्टिक दी गई है, ध्यान से देखिए ये करेक्टरिस्टिक दी गई है। इधर आपकी वोल्टेज है, इधर करंट है, वोल्टेज है, करंट है। आपको वी आई करेक्टरिस्टिक डायोड की निकालनी है। रेशो ऑफ रेजिस्टेंस, जब डायोड कितने पे हो, 15 मिली एम्पियर पे हो, और रेजिस्टेंस जब वोल्टेज कितनी हो, -10 वोल्ट पे हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जब आपका करंट कितना है, 15 मिली एम्पियर है, यहाँ पे देखो ये वाला है, तो उस टाइम आपकी जो वोल्टेज है वो कितनी है, आपकी जो वोल्टेज है वो 0.7 है, 0.7 है। तो रेजिस्टेंस जो होगा इस कंडीशन पे, मान लो हम इसको वन मान ले, तो कितना होता है वी बाई, यानी 0.7 बाई में 15 × 10³ हो गया, ठीक है। अब सेकंड जो पूछा है आपका, देखो जब आपकी वोल्टेज कितनी है डायोड की, -10, तो हमारा कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। तो इस पर आपकी जो करंट हो कितना दिया है, 1 माइक्रो एम्पियर दिया गया है। तो यहाँ पे अब बात करिए, जो ये मान लो आपका करंट 1 था, ये वोल्टेज 1 थी, तो ये करंट 2 ले लेते हैं, करंट कितना है 1 माइक्रो एम्पियर है, और जो आपकी वोल्टेज है वो कितनी है, -10 है। तो यहाँ से मान लो आप R2 निकालते हो, कितना आएगा आपका, -10 बाई में 1 × 10³। अगर इसको लिखूँ तो कितना हो सकता है, -10³ आ गया आपका रेजिस्टेंस। इन दोनों की रेशो निकालनी है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से कितना लगभग आपका, ये 15 है, अगर माने बा करूँ तो देखा जाए आपको कितना है, लगभग 10⁻²। अगर ऊपर जाएगा देखो, नहीं अगर मैं इसको कर लूँ तो ये कितना आपका लगभग 10⁻² आएगा, 10⁻², 10⁻² मिलेगा, या 15, तो ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनकी रेशो निकालनी है। तो R1 बाई R2 जब आप करेंगे, कितनी मिली आपके ऊपर है 10⁻², और नीचे कितना आएगा 10⁻⁴ है ये आपका, तो लगभग कितना आएगा, 10⁻ कितना हो जाएगा, -6। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना है, 10⁻⁶। तो आंसर क्या है, डी विल बी द राइट आंसर। और जो सेकंड क्वेश्चन 30 केस स्टडी का, ओके आपका देखिए, टाइप ऑफ लेंस इज कम्बिनेशन पे बेस्ड है। एक कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस इज थिकर एट सेंटर देन एट एज इज, इट कन्वर्ज इज ए बीम ऑफ लाइट ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू इट, इट हैज ए रियल फोकस। कन्वेक्स लेंस इज ऑफ थ्री टाइप्स, डबल कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, कनकेवो कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस थिनर एट सेंटर दैट एट एज इज, इट डाइवर्ज द बीम ऑफ लाइट ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू इट, वर्चुअल फोकस होता है। कनकेव लेंस आर थ्री टाइप के हैं, डबल कनकेव लेंस, प्लेन कनकेव लेंस, कन्वेक्सो कनकेव लेंस। ये देखो आपके टाइप दिखा रखे हैं। व्हेन टू थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ F1 F2 प्लेस कॉन्टैक्ट विद ईच अदर दे आर कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस देन द टू लेंस सिस्टम इज रिगार्ड इज सिंगल लेंस ऑफ फोकल लेंथ F। तो इसके बाद आप जो नेट फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, 1/F1 + 1/F2। इफ़ सेवरल थिंग लेंसेज इसी तरह रखा जाए कॉन्टैक्ट के अंदर, तो नेट जो फोकल लेंथ होगी 1/F क्या होगी, 1/F1 + 1/F2। और हमें पता है पावर ये क्या होती है, 1/F होती है। तो नेट पावर क्या होगी, सम होगी इन इंडिविजुअल पावर के, वहाँ P1 + P2, सो दैट PN। द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ लेंस मस्ट बी यूज प्रॉपर साइन कंसिडरेशन। इस पैराग्राफ बेस्ड पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए देखिए हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया गया है, टू लेंसेज आर केप्ट कोएक्सिली इन कॉन्टैक्ट विद इच अदर, फोकल लेंथ तो कॉम्बिनेशन 180 सेंटीमीटर है, और फोकल लेंथ वन लेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ अदर की निकालनी, इसका मतलब दिया क्या है, हर देखे मैं यही निकाल देता हूँ, ये जो दिया गया फॉर्मूला इसको यूज़ करूँ, तो आपका जो 1/F नेट कितनी है, 1/80, और ये कितना है, 1/20। फर्स्ट की मान ले F1 मान ले, 20 मान लेते हैं,
वन बाई एफ टू ये निकालना है। तो यहाँ से इसका मैं यूज़ करूँगा तो आपका वन बाई एफ टू कितना आ गया, वन बाई एफ टू आ गया वन बाई एट्टी माइनस वन बाई ट्वेंटी। एलसीएम कितना आ गया, एट्टी आ गया है। अब एलसीएम एट्टी आया है तो ये कितना हो गया, एट वन और ये हो गया फोर, तो कितना आया तीन घटा तीन बटे अस्सी। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो यहाँ लिख देता हूँ, अब वन बाई एफ टू यानी वन बाई जो आपका एफ टू है ये कितना आ गया आपका, वन बाई एफ टू आ गया माइनस थ्री बाई एट्टी, और एफ टू कितना आ गया माइनस एट्टी बाई थ्री। इसको डिवाइड करना है आपको, अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा आपका, ये घटा का तीन दूनी छः, ठीक है ना, दो बच्चे तीन छः अट्ठारह तीन सत्ते इक्कीस, ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर क्या होगा, ए विल बी द राइट आंसर। तो ये आपका क्या है क्वेश्चन है, तो फर्स्ट का आंसर कितना आ गया आपका 26.7 आ गया है। अब अगला क्वेश्चन इसका देखिए क्या दिया गया है, सेकंड है, ए स्फेरिकल एयर बबल इज एम्बेडेड इन ए पीस ऑफ ग्लास फॉर ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू बबल्स इट बिहेव्स लाइक। तो याद रखिए किस तरह बिहेव करता है, या कन्वर्जिंग लेंस या डाइवर्जिंग लेंस, याद रखिएगा डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। तो आंसर क्या बी, जब स्फेरिकल एयर बबल एम्बेडेड होता है ग्लास के अंदर तो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। लेंस जनरली यूज्ड इन द मैग्नीफाइंग ग्लास, हम इसको मेन जो आप देखते होंगे मैग्नीफाइंग ग्लास छोटी लैब में ज्वेलर के पास किसे यूज़ करते हैं, इसको हम एक सिंगल कन्वेक्स लेंस की फॉर्म में यूज़ करते हैं, ए सिंगल कन्वेक्स लेंस की फॉर्म में इसको हम यूज़ करते हैं। फोर्थ है आपका देखिए, द मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज ऑफ कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव का मतलब क्या है, जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये दोनों क्या है, ये पॉजिटिव मिले। पॉजिटिव कब मिलती है, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। आप बना के भी दिखा सकते हैं, ये देखिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये मान लो आपका क्या है, ये आपका लेंस ले लेते हैं, ये बनाया आपने कन्वेक्स लेंस। इसके बाद आप क्या करते हैं, कंपास लेते हैं, कंपास लेके कैसे करते हैं भाई, फर्स्ट आर्क जो लगाते हैं आप यहाँ से रखिए, यहाँ पे हमारी आपका फर्स्ट जो है ये हो गया आपका एफ और ये हो गया टू एफ, इसी तरह ये एफ ये आपका इधर टू एफ ऑब्जेक्ट, ये ऑप्टिकल सेंटर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा, फर्स्ट ईयर यहाँ जाएगी तो कहाँ से पास होती है आपको पता है, फोकस से पास होगी भाई, आपकी फोकस से पास होती है। दूरी कहाँ से पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, इसको बढ़ाने पर क्या है ये यहाँ कहीं मिलेगी आपकी जो है, ये देखो यहाँ इमेज बनती है आपकी, ठीक है। तो देखो इनलार्ज इमेज बनती है, तो ऑब्जेक्ट जब आपका यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट भी इरेक्ट है और एच आई भी पॉजिटिव एच नॉट भी पॉजिटिव है, तो जब मैग्नीफिकेशन इमेज कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव का मतलब क्या है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में हो। नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन देखो, इसका क्या दिया गया है, कन्वेक्स लेंस से 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दी गई है, रियल इमेज फॉर्म हो रही है विच इज थ्री टाइम्स मैग्नीफाइड है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना फ्रॉम द लेंस। हमारा यहाँ पे क्या कह दिया, देखिए आपको यहाँ पर एफ दिया गया आपको 20 सेंटीमीटर, तो मैग्नीफिकेशन जो एम है ये क्या होता है, एच आई बाई एच नॉट, या इसको लिख सकते वी बाई यू होती कन्वेक्स लेंस के लिए, कितनी दी गई है देखो आपकी थ्री टाइम्स, तीन गुना है यानी कितनी है तीन है। तो यहाँ से अगर आप वी निकाले वो कितना है यू, और हमें निकालना क्या है, हमें पता है ऑब्जेक्ट निकालना है यू निकालना है, तो जो लेंस फार्मूला क्या होता है माइनस वी माइनस यू बट ये होता है। अब वी कितना है थ्री टाइम्स है तो कितना हो गया थ्री यू, माइनस में ऑब्जेक्ट में से लेफ्ट साइड में रखा जाता तो इसके लिए क्या लेंगे माइनस यू लेंगे, और दाई तरफ वन बाई कितना हो गया ट्वेंटी हो गया है। अब मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ तो इसको लूँगा एलसीएम कितना आ गया मेरा, ये हो गया तीन यू आ गया, डिवाइड करेंगे वन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वैसे भी, तो एक किया तीन और दाई तरफ कितना वन बाई, तो चार बटे तीन यू वन बटे बी। अब यू निकालना तो यू कितना आ गया अस्सी बटे तीन, ये देखिए।
अब हमारा जो है आप इसको सॉल्व करना है, यानी आपका यू की वैल्यू कितनी आएगी, 80/3 डिवाइड करोगे तो कितना आया, देखिए 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, यानी आपकी जो वैल्यू आएगी यू की ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आएगा 26.6, फिर 6 पे जाएगा कितना सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर है। अब अगर इसमें देखा जाए तो कौन सा आंसर आपका सी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे आपके सभी हरियाणा बोर्ड द्वारा, SBSE द्वारा, CBSE द्वारा जारी किए गए सैम्पल प्रैक्टिस पेपर के ऑल केस स्टडी क्वेश्चन फुल्ली सोल्व विद एक्सप्लेनेशन। नाउ डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट सेक्शन आपका डी सेक्शन, इसके अंदर हम केस स्टडी पढ़ेंगे। तो केस स्टडी का जो क्वेश्चन है आपका, देखिए जो केस स्टडी वाला आप ही देखिए, ये इस तरह आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, और ये क्या दिया गया पैराग्राफ देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, ये आपका V/R है, आर कॉन्स्टेंट है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, ये डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटीरियल्स, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, रो क्या है रेजिस्टिविटी है, जो मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है। तो इस तरह आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसके बेस पे अब आपको क्या करने हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका क्या करना है आपको आंसर देना है। तो देखिए आपको इस तरह से ऑप्शन वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकालनी है। तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो देखिए फर्स्ट क्या है, आपको ये पैराग्राफ को बड़े ध्यान से पढ़ लेना है। पैराग्राफ आपने ध्यान से पढ़ने के बाद आपको जो क्वेश्चन दिए गए उसको करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, डायमेंशन निकालनी है रेजिस्टेंस की, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। तो आपको पता है यहाँ पे अगर आप चाहे तो यहाँ भी निकाल सकते हैं, आपका जो आर होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या आपका यहाँ निकालिए, रेजिस्टेंस क्या आपका V/I होता है, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे देखिए आपका। तो सबसे पहले हम डायमेंशन किसकी निकाल लें, पोटेंशियल की निकाल लेते हैं। तो जो पोटेंशियल होता है आपका V, वो क्या होता है आपको पता है, W/Q होता है, पढ़ा था आपने, ध्यान हो आपको W/Q। और जो W क्या वर्क डन है, उसका डायमेंशन फार्मूला होता है ML²T-2, पढ़ते आए हैं बहुत। और जो चार्ज जो होता है इसका होता है 80, तो क्या बनेगा ऊपर वोल्टेज का, ये हो गया ML²T की देखो ये पावर 1 ऊपर जाएगी तो T की पावर कितनी होगी -3, और A की पावर कितनी होगी -1। तो डायमेंशन फार्मूला जो पोटेंशियल के लिए आ गया ये भी पूछ लिया जाता है, ये आ गया आपका। अब निकालना क्या हमें, तो रेजिस्टेंस का निकालना है। तो रेजिस्टेंस का क्या है भाई, आपका वोल्टेज ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो कितना हो गया आपका ML²T-3A-1, और बटे में करंट का क्या होता है A होता है। अब इसको करेंगे तो आपका R का कितना आ जाएगा, जो देखिए आपका हो गया ML²T-3, ये A ऊपर जाए A²। तो ये आपका डायमेंशन फार्मूला आ गया रेजिस्टेंस का। तो अगर ऑप्शन देखेंगे आप तो आपको ऑप्शन के अंदर ये दिया गया है A, देखिए बिल्कुल मिला के देखिए, तो कौन सा आंसर है देखिए, ये B आंसर है आपका। तो आंसर क्या हो गया B, इस तरह आपको कर देना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, इसके अंदर पूछा गया है If 1 mA करंट फ्लोर थ्रू दी कंडक्टर, पोटेंशियल आपको 2 वोल्ट दी गई है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो सामने आपका फार्मूला दिया है, तो आपका R क्या है, ये है V/I है। तो V की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, V की वैल्यू दी गई है ये देखिए 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट है। और I कितना है 1 माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या, 1 × 10⁻¹⁶ कितना 6 ले लिया आपने, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो गया आपका भैया, 2 ऊपर कितना हो गया 10⁻⁶ था, ये क्या हो गया +6 हो गया। और ये रेजिस्टेंस किस में, तो ओम में। तो आपका आंसर कितना आ गया, जो आपका आर है ये कितना आ गया 2 × 10⁶ ओम, तो ये आपका आंसर हो गया। अब आप ऑप्शन के अंदर देखिए, ये ऑप्शन कौन सा आपका, आपका फर्स्ट ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये कितना हो गया ए इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट आपका देखिए क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमें पढ़ा था, आर क्या था आपका ρL/A, इस रो को ये बोलते हैं रेजिस्टिविटी कह लो इसको,
या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह लो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये जो है ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है, ना एरिया पे डिपेंड करता है, ना मास पे करता है। ये किस पे डिपेंड करता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, एंड इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट डायमेंशन, इंडिपेंडेंट होता है डायमेंशन पे, डिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन। तो इसका अंदर हमारा ऑप्शन क्या हो गया? डी, नन ऑफ दिस, इसके अंदर दिया ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका, देखिए स्लोप का है। द स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस करंट, तो जो अपने का डायग्राम बनाते हैं वो क्या है आपका, लिखा है आपने, हम ग्राफ बनाते हैं वी और इसके अंदर आई के अंदर, इधर वी है और इधर आई है। तो ग्राफ कैसा बनाते हो आप? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है ऐसे, इस तरह का। तो अगर ये आपकी वोल्टेज है, इधर करंट है, तो वोल्टेज करंट के अंदर ग्राफ बनाते हैं। ये आपका क्या है, इधर मैंने वोल्टेज ले ली, इधर आपने करंट ले लिया, तो स्लोप कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब कौन सा हो गया ऑप्शन आपका? ए इज द राइट आंसर, स्ट्रेट लाइन स्लोप होता है। अगला देखिए आपका जो और में दिया गया है, इसका मतलब ये होता है या तो आप ये पार्ट कर दीजिए या आप ये पार्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको जो दिया गया है एक न्यूमेरिकल है, क्या दिया गया? रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ वायर 1.1 मीटर लॉन्ग है, 0.4 mm डायमीटर है, रेजिस्टेंस 2 ओम दिया गया है। तो निकालनी क्या है? रेजिस्टिविटी निकालनी, ये निकालनी देखिए आपकी। और रेजिस्टिविटी क्या होती है आपको पता है? ये होती है रो होती है आर ए बाई एल। कहाँ से निकाल सके? देखो यहाँ से निकाल लिया मैंने, ऊपर ही कराया था। अगर आप देखिए आर क्या होता है, रो एल बाई ए, रो क्या हो जाएगा आपका? आर ए बाई एल हो गया। और यहाँ से हमें पता है ये जो आपका एरिया है ये क्या है आपका, भाई हमें हमारी कोयल कैसी, देखो ना मटेरियल डायमीटर दिया तो रेडियस की में बात करते हैं, तो आपका जो एरिया है, जो एरिया फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई डायमीटर पे आपका होता है, रेडियस क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, इसका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया आपका ये। अब ये सारी वैल्यू रख देंगे, हमारे पास गिवन है आपको, देखिए क्या क्या दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे लेंथ दी गई है, सब कुछ दिया गया है आपको, बस वैल्यू पुटअप करनी है। देखिए वैल्यू रख दीजिए, आपके पास क्या है यहाँ पे गिवन है आपका, आर कितना दिया गया है, ये दिया गया 2 ओम, और आपका एल कितना दिया गया है, एल दिया है 1 मीटर, ठीक है। डायमीटर कितना दिया गया है, 0.4 mm दिया गया है, तो इसका मतलब आर कितना हो गया आपका, डायमीटर का हाफ हो गया, तो कितना गया? 0.2 mm हो गया, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू आपके पास है, इसके अंदर रखेंगे वैल्यू फार्मूले के अंदर, तो आपका जो रो हो गया रेजिस्टिविटी वो क्या हो गया, आर की वैल्यू कितनी है, ये 2 रख दी हमने, ठीक है। एरिया कितना है आपका, पाई, ये पाई आ गया। आर कितना आया है, 0.2 mm लिखा है, 0.2 mm का मतलब कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर कितना मीटर, ये हो गया 10 की पावर -3, और इसका क्या, पाई आर स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया। बटे में क्या आपका, देखिए एल है, एल कितनी दी गई है, 1 दी गई है, 1, तो ये कितना हो गया, आर की वैल्यू 2 ओम, ये पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया है, एल 1 हो गया, आपको इसको काटना है। अब इसको आप सोल्व करेंगे, देखिए करें इसको, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कितना हो गया आपका, वैल्यू रख दो 2 पाई का मान कितना, 3.14, और ये कितना हो गया 0.04, और 10 की पावर कितना हो गया, 10 की -6 आ गया। अब इसका मतलब रेजिस्टिविटी कितनी आ गई आपकी, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 2 गुना में 3 पॉइंट अगर हम मल्टीप्लाई करते इसको, तो कितना हो गया आपका, 4 चौक 16, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 चौक 16, 4 पंजे 4 चौक 16, 4 1 5 और 4 3 12 12, तो डेसिमल कितने हो गए, ये हो गया आपका 1 पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, और बट इंटू में 10 की पावर कितनी होगी, माइनस, इसको मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो गया, देखिए 2 चीक 12 2 चीक 12 2, इतना आ गया आपका, और 10 की माइनस में 6, अगर सारे डेसिमल काउंट करो तो आपका यहाँ पे आया है,
इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो कितना आ गया, 2.51 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, ओम मीटर। तो आपका जो रेजिस्टिविटी है वो हमारी अप्रोक्सीमेट कितनी आ गई, ये आ गई आपकी। तो इसमें अगर ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, ये डी वाला ऑप्शन ठीक है आपका। आंसर क्या आपका, डी, डी इज़ द राइट आंसर। नाउ ये था आपका फर्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन। इसी सेट का जो सेकंड आपका क्वेश्चन है वो देखिए लेंस के ऊपर है, जो 32nd क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आप देखेंगे एक पैराग्राफ दिया गया है आपको, ध्यान से इसको पढ़ना है। ये लेंस के ऊपर है, पावर ऑफ ए लेंस गिवन बाय रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ये फार्मूला में पढ़ा है। एफ मीटर के अंदर होता है, पी जो पावर डायोप्टर के अंदर होती है, कन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है, कनकेव की पावर नेगेटिव होती है, हमने पढ़ा है। वैन नंबर ऑफ थिन लेंस जो है उनको अगर हम कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये आपका फार्मूला है इसका। तो इन्हीं के बेस पे क्या आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन है आपके, उनके आपको आंसर देने हैं। बिल्कुल सिमिलर वे में देना जैसे हमने पहले किया था। ये देखिए, तो फर्स्ट के अंदर क्या है, एक कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस को सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी आर पुट इन कॉन्टैक्ट द फोकल लेंथ, तो कॉम्बिनेशन क्या होगी। एक कनकेव एक कन्वेक्स है, अगर मान लो मैं सिंपल मान लेता हूँ, एक कनकेव लेंस लिया तो कनकेव की अगर मैं ले लेता हूँ कनकेव, एक कनकेव एक कन्वेक्स, एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ आपको। मान लो इसकी फोकल लेंथ जो है मान लो एफ वन, इसकी एफ टू मान लेता हूँ भाई, इसकी आप मान लीजिए 10 मान लीजिए, इसकी 15 मान लीजिए सेंटीमीटर में। तो जो आपकी फोकल नेट फोकल लेंथ क्या आएगी, आपको फॉर्म होता है 1/f, क्या होता है 1/f1, क्योंकि कन्वेक्टिव के लिए पॉजिटिव है, इसके लिए नेगेटिव है, वैसे हम सीधा लिख सकते हैं दोनों की ऐड ये हो जाती है। तो यहाँ रखेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/ आपका f1 कितना है 1/10, यानी माइनस में हो गया, ये कितना हो गया 1/15 हो गया। अगर इसको आप सोल्व करेंगे यहाँ पर तो 1/f कितना है आपका, एलसीएम आ गया 30, 10 + 30, 5 × 10 यानी घटा का 1/30। तो देखो फोकल लेंथ इन दोनों कितनी थी, 10 और 15 थी, लेकिन जो नेट कम्बिनेशन की कितनी आ गई, 30 आ गई। अगर आप देखेंगे नेट कम्बिनेशन जो बना आपका, तो एफ कितना आ गया आपका घटा का 30, इसका मतलब फोकल लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो आंसर क्या होगा, डी, यानी हमारी फोकल लेंथ इनक्रीज हो जाती है जब उनको कॉन्टैक्ट में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, देखिए दो लेंसेज है, एक की पावर पल्स 1.5, दैट मीन्स ये भी कन्वेक्स है, ये भी कन्वेक्स है, दोनों पॉजिटिव, दोनों को पास रखा जाता है। तो पावर क्या आएगी कम्बिनेशन की, बताई थी आपको पावर जो कम्बिनेशन आएगी, P1 + P2 दोनों को जोड़ दो तो कितनी दी गई पावर आपकी, पावर पहले की कितनी है 1.5, दूरी कितनी है 1.0, ये हो गया आपकी। दोनों को जोड़ें कितना आ गया 2.5 डायोप्टर आ गई, नेट पावर आ गई आपकी। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा इसके अंदर, आपका फर्स्ट ही ऑप्शन होगा, ए विल बी द राइट आंसर, ये आपका आंसर होगा पावर ऑफ कम्बिनेशन की। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, इसका देखिए, इफ़ द पावर ऑफ लेंस पल्स 5D व्हाट इज़ द फोकल लेंथ। हमने फार्मूला देखिए दिया हुआ है सारा, इसी के अंदर आपको मिल जाएगा, ये पावर का फार्मूला दिया गया है। आपको निकालनी क्या है, फोकल लेंथ निकालनी है। तो फोकल लेंथ क्या होती है, ये होगी 1/P, ठीक है, आपको डी दी गई है। अगर मान लो सेंटीमीटर के अंदर, देखो ऑप्शन सभी सेंटीमीटर में, तो इसको क्या लिख सकते हैं 100, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे तो कितना आएगा 5, बस आपको इसको काट देना, कितना आएगा आपका ये 5 × 5 × 10 20 आ गया। 20 क्या आएगा, ये सेंटीमीटर कैसा आया पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव थी तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा, कम्बिनेशन क्या आप लेंस कौन सा होगा, कन्वेक्स होगा। तो राइट आंसर कौन सा है आपका, यहाँ पे आपका कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, यानी बी विल बी द राइट आंसर, ये आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, टू थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ पल्स 10 सेंटीमीटर -5 सेंटीमीटर कप्ड इन कॉन्टैक्ट, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन बतानी है। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन मैंने पीछे भी बताया था आपको, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगी, दोनों को जोड़ देते हैं P1 + P2, ये क्या होता है नेट फोकल लेंथ, ये होगी तो 1/f1 पल्स में 1/f2, ये फार्मूला हो गया। यहाँ पे मैं रख के निकालता हूँ तो नेट जो आपकी एफ क्या आएगी, अब यहाँ देखेंगे पहले के लिए क्या है पॉजिटिव, दूसरे के लिए क्या हो जाएगी कनकेव के लिए नेगेटिव, 1/5 हो गया है।
और इसको हम उसमें निकालें, क्या होगा ये आपका सेंटीमीटर, क्योंकि हम क्या इसको सेंटीमीटर की फॉर्म में निकालेंगे इस तरह से आपका। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा देखना भाई, हमारा डायरी भी कर सकता था मैं इसको। अब आपका जो यहाँ पे है नेट, यहाँ पे आपका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया आपका 10, तो ये कितना हो गया एज इट इज़ हो, और ये कितना आ जाएगा आपका 5 × 10 200। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 1/f जो आपका है वो कितना हो गया, ये हो गया आपका माइनस में भाई आपका 200 था ये, बटे में कितना है 10 है, तो कितना आया माइनस का 10 आ गया। तो माइनस का 10 आप इसे डिवाइड करेंगे, माइनस आप देखिए इसको करेंगे तो कितना आया माइनस का 10 डायोप्टर। डायोप्टर कैसे, क्योंकि हमें क्या पी निकालनी है, तो पी कितनी आ जाएगी आपकी 10 डायोप्टर, यानी हमारा आंसर क्या है 10 डायोप्टर, वो कैसा नेगेटिव। तो आपको ऑप्शन कौन सा हो गया, ए विल बी द राइट आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला जो एक और में दिया गया ये कर लीजिए या ये कर लीजिए, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर प्लस कोएक्सियली इन कॉन्टैक्ट विद ए कनकेव लेंस दे रखे 20 सेंटीमीटर, तो क्या निकालना है सिस्टम आपका कैसा नेचर का होगा ये बताना है। अगर मान लो आपकी फोकल लेंथ नेट की पॉजिटिव आती है तो कन्वर्जिंग लेंस होगा, अगर नेगेटिव आती है तो डाइवर्जिंग होगा। तो अभी निकाल लीजिए आपका जो आपकी पावर है, देखो फोकल लेंथ दी गई है तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, ये क्या है देखो कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव लेते हैं, सेकंड क्या है कनकेव, उसके लिए क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। अब आपका एलसीएम कितना आ गया, अगर हम देखेंगे दोनों का 25 × 100, अगर मैं चलो 100 ले लेता हूँ, ये 100 आ गया, तो 25 × 100 ये 4 आ गया, और 20 × 5 ये इतना आ गया आपका, तो कितना आ गया अगर हम बात करें इसको सेंटीमीटर में ले लूँ, ये अंडरवर्ड जिसे हम पीछे करते आ रहे हैं, तो ये कितना आएगा आपका अगर हम बात करें देखिए 25 × 100 ये 4 पे गया तो कितना हो गया 400 हो गया आपका। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 20 × 5 तो ये भी क्या है 500 हो गया, तो इसका मतलब कितना आ गया आपका ये माइनस का 100/100, यानी माइनस का कितना आ गया 1 आ गया। तो जो आपका डायोप्टर पावर क्या है नेट कम्बिनेशन की अगर हम बात करें, ये जो पावर नेट कम्बिनेशन कितनी आएगी माइनस का 1 डायोप्टर आ गया है। माइनस का मतलब क्या है कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है, कैसा है डाइवर्जिंग होगा, कैसा होगा डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग क्या है नेट कम्बिनेशन बिहेव करेगा कनकेव की तरह। तो आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा आंसर है आपका, इसका बी विल बी द राइट आंसर, ये बी आपका इसका आंसर हो गया। तो ये था आपका सेट ए का केस स्टडी दोनों क्वेश्चन। अब देखिए बी सेट का, ये आपका केस स्टडी का डी सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्या दिया गया है यहाँ पे पैराग्राफ देख ध्यान से पढ़ना आपको इसको, क्या दिया गया है एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की है जो मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी दी गई है 3 × 10 की आपकी ये 7 मीटर/सेकेंड, और एंटर रिजन बिटवीन द टू प्लेट्स, बिल्कुल बीच से आपका ये क्या है ये देखो बिटवीन, बिटवीन का वर्ड ये देखो ये काम का है, तो बिटवीन मतलब कि ये जो यहाँ से डिस्टेंस है ये वाला टोटल कितना है 1 है, तो ये क्या आपका यहाँ पे वाई बोल सकते हो, वाई का लॉन्ग कितना है 1/2 सेंटीमीटर है, 1/2 सेंटीमीटर है। ए फिगर के अंदर दिखाई दे रहा है स्टेबल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट सच दैट इलेक्ट्रॉन बीम जस्ट स्ट्राइक द एज ऑफ लोअर प्लेट, तो देखिए यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर है, 3 इसकी लेंथ है। अब आंसर देना फ्लोइंग आपके क्वेश्चन बेस्ड ऑन अबव का, तो पहले वाला जो आपको देखो इसके अंदर पता होना चाहिए क्या क्या आपको दिया। फर्स्ट है हाउ लॉन्ग डज इलेक्ट्रॉन, हाउ डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू स्ट्राइक द एज, तो कितना टाइम लेगा टकराने में, तो हमें पता है भैया का डिस्टेंस जो होता है जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होता है ये होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये हम इसको ऐसे मान लेते हैं ये क्या हो गया वी, और ये आपका मान लो टी मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक्स की लॉन्ग बात कर रहे हैं तो आप एक्स भी लिख सकते हो लेकिन सारा मोशन एक्स की लॉन्ग है, तो आपका टी लॉन्ग का मतलब क्या है आपको क्या निकालना है टाइम निकालना, तो टी कितना आ गया एस बटे वी हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी वेलोसिटी कितनी दी गई है, देखिए आपकी जो वेलोसिटी है यहाँ पे देखो 3 मीटर है, एस कितना है 3 सेंटीमीटर का मतलब 3 × 10^2 मीटर, और वेलोसिटी कितनी दी गई है 3 × 10^-7 दी गई, ये देखो दी गई है
तो यहाँ पे अगर इसको मैं भाग कर दूँ कितना हो गया आपका, ये देखिए ये आपका हो गया 3 गुना में, ऐसे 3 गुना में 10 की -2, और वी कितना, 3 गुना में 10 की -7 दी गई है, इतनी दी गई है। तो 3 से 3 कट गया आपका ये फर्स्ट केस के अंदर। ये कितना आ गया, ऊपर जाके पावर नेगेटिव हो जाएगी, 10 की 2 ये है और 7 ये, तो कितनी होगी टोटल 10 की -9, ये क्या आ गया सेकंड आ गया। तो आपका जो टाइम आया यहाँ पे, टाइम कितना आ गया 10 की -9 सेकंड आ गया। तो फर्स्ट पार्ट में आपको ये निकालना था। अब देखो, अब सेकंड पार्ट क्या दिया गया, देखिए ध्यान से, व्हाट इज़ द शेप ऑफ पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन एंड वाई। अब ये जो शेप बनेगी पाथ की वो कैसी बनेगी वो आपको दिखानी है। तो उसके लिए देखिए आपका जो शेप ऑफ पाथ कैसी होती है, आपको पता है पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। कैसा होगा पाथ, पैराबोलिक पाथ, द पाथ होगा, पाथ विल बी पैराबोलिक, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, क्योंकि जो कि ऐसे पाथ फॉलो करेगा पैराबोलिक, क्योंकि क्या है आपका जो अकोर्डिनेटेड मोशन है फिक्स डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू है इनिशियल वेलोसिटी के, तो हमारा इतना ही काफ़ी पैराबोलिक पाथ। अब तीसरी क्या आपको निकालनी, क्या देखिए, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, यानी कि हमें वी निकालनी, हमारा मेन क्या निकालना है, वोल्टेज निकालनी, ये निकालनी है। अब इसके लिए क्या चाहिए, हमारे पास जो टर्म दी गई है बस टाइम है। इसके लिए हमें एक तो डिस्प्लेसमेंट, यानी हमें क्या चाहिए, आपको पता है हमें एस्केलरेशन, हमें एक चीज़ पड़ी है, एक फार्मूला आपका क्या होता है, फोर्स होता मास इनटू एस्केलरेशन, पढ़ा है आपने। तो हमारा जो मोशन वाई के लॉन्ग जाएगा तो ए वाई मास को या सिंपल एम ए ले लेते हैं। एक होता है चार्ज क्या है, ई है, और ई क्या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो मेरा जो है पोटेंशियल लेके आनी है, तो ए क्या हो गया आपका, ये हो गया ई बाई एम, ये हमने पहले भी किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में, ई बटे एम। ये ई क्या होता है, ये होता है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, याद हो आपको कराया था। तो यहाँ से अगर मैं वोल्टेज निकालूँ तो वोल्टेज का जो फार्मूला बन गया आपका, वोल्टेज का जो फार्मूला है वो क्या बन गया आपका, ए, ये देखो ना ये आपका है, ये निकालने तो क्रॉस में गया, ए एल ए एम एल बाई ई आ गया, ये निकालना हमें। अगर हमें वैल्यू मिल जाए इसकी, इधर वाली सारी वैल्यू मिल जाए तो हम निकाल लेंगे। अब हमें क्या चाहिए, एस्केलरेशन चाहिए। तो एस्केलरेशन कैसे निकालेंगे, कह रहे तो हमें क्या, यहाँ देखो ये डायग्राम में दिया गया है, ये देखो यहाँ पे, तो वाई कितना दिया गया है आपको, जो वाई है मिड पॉइंट से जा रहा है ये कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.5, और सेंटीमीटर को मीटर बनाऊँ कितना आ गया, इतना ये मीटर हो गया है आपका इस तरह से। तो वाई कितना हो गया, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 × 10⁻²⁰ मीटर हो गया। अब इसके बाद एक इक्वेशन पता है हमें, ए निकालनी है एस्केलरेशन, वो क्या होती है, यू टी प्लस 0.5 ए टी स्क्वेयर। और अगर देखोगे ये सारा मोशन किसके लॉन्ग है, वैसे देखा जाए तो वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये भी आपका क्या है, ये भी वाई है और ये भी वाई है, और यहाँ भी क्या है, ये वाई है अगर आप करना चाहे तो। अब यहाँ पे जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये 0 है, ये कितनी दी गई है, ये 0.5 × 10⁻²² है, और ये क्या हो गया, 0.5 ए हमें निकालना है, टी कितना है, अभी पीछे निकाला था पहले केस के अंदर 10⁻⁹ दे रखा है। तो इसको आप करेंगे अभी क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × 5 = 10, तो कितना हो जाएगा, 1 हो गया, यानी क्या हो गया आपका, 1 × 10⁻², क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, और ये कितना हो गया, 10⁻⁴ नीचे आ गया आपका -9, तो ए ये आ गया। और यहाँ से अगर ए निकालेंगे तो देखिए ये क्या था आपका, स्क्वेयर था यहाँ पे, तो ये भी क्या हो गया, इसका स्क्वेयर हो गया। तो यहाँ से अगर आप ए निकालेंगे, ये कितना आ गया भाई, ऊपर है 10⁻², और ऊपर कितना हो गया, 10⁻, ये गया +18, तो कितनी होगी, 10⁻⁙ बच गए आपके। तो ये क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, तो ए की वैल्यू आपको मिल गई है 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब ये जो वैल्यू है इसका हम क्या, यानी वाई के लॉन्ग मिली है आपको, ये आप ए वाई भी लिख सकते हो, ये वाली जो है ये वैल्यू उठा कहाँ रख देंगे, इसके अंदर रख दो जो आपकी है, तो वोल्टेज जो होगी आपकी कितनी होगी, ए वाई की वैल्यू होगी 10⁻⁶। मास कितना होता है आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1, 10⁻⁹ कितना होता है, 31 होता है।
अब आप देखेंगे भाई लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 1 सेंटीमीटर देखो यहाँ पे ये दे रखी है, वाई कलों कितनी है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना है 10^-2 है। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई कितना होता है 1.6, 10^10 कितना होता है माइनस का 19 कूलाम होता है, ये होता है। अब आपको इसको काटना है, तो जब काटिए इसको भाई आप देखिए यहाँ पे पावर का हिसाब कर लेते हैं पहले, ये अगर ऊपर देखा जाए तो ये कितना है भाई आपका 9.1, इसको अलग कर लेते हैं, ये 1.6 ये हो गया है। तो इधर हम देखेंगे तो 10 की टोटल पावर कितनी है भाई आपका, ये 19 ऊपर जाएगा देखो इधर जाएगा, तो 10 की टोटल पावर पॉजिटिव हो गई कितनी, 9, 6, 15, 35 हो गई, ठीक है। और जो 10 की पावर नेगेटिव कितनी है माइनस में 33 हो गई है, तो कितना आ गया आपका अगर इसको मैं करूँ तो 16^96 लगभग अगर हम बात करें, लेकिन क्या है अगर हम अप्रोक्सीमेट की बात करते हैं तो ये आपका लगभग ये हो गया 9 पॉइंट, मैंने इसी दकार देते कि 0.1 ही है आपका, इंटू में कितना हो गया 10 की पावर कितना बच चाहिए आपका 2, ये बच गया आपका। इसको भाग करेंगे तो देखो 16^5 80, 16^96 अच्छा अप्रोक्सीमेट भी मान के निकाल सकते हो आप चाहे तो लगभग क्या लिखूँ मैं इसको, लगभग 6 मान लेता हूँ, तो लगभग क्या अप्रोक्सीमेट कितना आ गया आपका वोल्टेज, अगर एग्जिट भी काट सकते हैं एग्जिट निकालना है तो कितना आएगा 16^5 80 पाँच पे गया पे क्या है 6, 16^96 और ये लगभग आपका इतना अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है। अगर पॉइंट में निकालना चाहो तो आगे निकाल सकते हैं, वरना आप इसको अप्रोक्सीमेट जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको सीधा 16^96 यानी लगभग क्या है लेस देन थोड़ा 6 होगा 600 ये वाला, अगर कोई पेपर ऑप्शन हो ठीक आप दे सकते हैं, तो लगभग इतनी वोल्ट आपकी क्या आएगी पोटेंशियल आप अप्लाइड करेंगे, तो ये आपका आंसर हो गया है। अब ये तो ऑप्शन हो गया आपका देखो इसका सी पार्ट का, ये देखिए आपका इसके बाद और में भी दिया गया क्वेश्चन, ये दिया गया और में फाइंड द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच शुड बी क्रिएटेड इन स्पेस बिटवीन द प्लेट सो दैट इलेक्ट्रॉन बीम गो स्ट्रेट अनडेविएटेड, यानी आपको क्या निकालना देखिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड कि आपका जो पार्टिकल है जो प्लेट के इलेक्ट्रॉन बीम है गो स्ट्रेट निकल जाए बिना डेविएशन के, तो बिना डेविएशन के लिए अगर आपका ये जो फोर्थ पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है जो इसका इसी क्वेश्चन का, ये 31 का और वाला पार्ट है, ये कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए क्या है हमें क्या निकालना, बी निकालना, तो एक रिलेशन पता है अनडेविएटेड का मतलब क्या है, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके बराबर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाए, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये होता है क्यू इंटू ई होता है, अनडेविएटेड का मतलब ये है, और ये क्या होता है आपका क्यू वी बी होता है, पढ़ा है हमने, तो हमें क्या निकालना है बी निकालना है भाई। अगर हम यहाँ से देखें तो क्यू से क्यू कट गया, बी कितना आ गया हमारा, ये आ गया ई बाई में वी, वैसे पढ़ा भी है बी ई आपका बी सी, आप सीधा यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट इसको चाहे तो, हमने पढ़ा भी है बताया भी था आपको ई क्या होता है बी सी, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेकिन यहाँ पे वी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखा है तो 1/2 वी हमें क्या चाहिए, जो क्वांटिटी हमें चाहिए वो क्या है आपको एक पता है, अभी पिछले उसमें भी यूज़ किया था, मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ आपको करके क्या होता है भाई, चार्ज जोन इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है आपका चार्ज इलेक्ट्रॉन, जो ये फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स किसके बराबर होता है एम ए के, अभी पीछे निकाला था, तो आपका यहाँ से अगर देखा जाए हमें क्या निकालना है ई की वैल्यू क्या होगी, ई आपका हो गया एम ए बटे में ई, तो वही वही वाई वाला वैसे देखा जाए तो आपका ये वाला हम इसको डायरेक्ट यहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो कितना हो गया एम ए बाई में ई आ गया। अब सारी वैल्यू की है आपके पास, हर चीज़ दी गई है, बस आपको रखना है भाई आपकी एक वेलोसिटी कितनी थी 3×10^7 थी, मास हमें पता है अभी किया था 9.1 × 10^-31 है, एक्सेलरेशन अभी निकाली थी 10^16 है, ठीक है। और जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10^-1 कितना होता है −19 कूलाम्ब होता है, इसको काटना है, तो बताया पावर का हिसाब करते हैं पहले, या भी अभी पीछे भी किया था लगभग हमने, तो कितना है 9.1 और ये गया 16^48 4.8, तो 10^10 कितनी है अगर ऊपर देखिए तो देखिए ये 19 ऊपर जाएगा ये देखो, तो यहाँ पे अगर 10^10 ये −31 तो ये रही, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हिसाब करूँ देखिए ये जो 7 है
ये 7 ऊपर जाएगी तो ये कितने हो जाएगी, ये आपके देखो ऊपर जाके पॉजिटिव अगर मानो कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 7 38 हो गया। और जो आपकी 10 की पावर, ये देखो इधर ऊपर जाएगी तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 35, इतना आ गया आपका। तो अगर यहाँ पे देखूँ तो लगभग कितना है आपका 9148 इंटू में यहाँ पावर बच गई 10 की -3, 48 दूनी कितना होता है, 96 होता है। तो 96 का लगभग मतलब कि अप्रोक्सीमेट कितना है आपका, ये 2 आ जाएगा, 2 × 10 की -3। तो जो बी की वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, वो कितनी आ जाएगी, इतना टेस्ला। और अगर इसको एग्जैक्ट निकालना चाहते तो एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं, तो लगभग 2 से आपकी वैल्यू लगभग ये कितनी आएगी, 48 1 पे 9 पे जाएगा लगभग टेस्ला, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दे रखे, तो आप इसको क्या अप्रोक्सीमेट इस तरह लिख के निकाल सकते। तो ये था क्वेश्चन आपका 31st B सेट का। अब देखिए आपका जो सेकंड वाला दिया गया, 32nd वाला आपका क्वेश्चन दिया गया, इसका सेकंड केस स्टडी दिया गया, वो क्या है आपका, देखो इसको पढ़िए ध्यान से क्या दिया गया है। न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन आइडेंटिकल पार्टिकल होते हैं इन सेंस ऑफ देयर मासेज के, और नियरली सेम होते हैं, फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स, इनके बीच में लगता है, डजंट डिस्टिंग्विश देम, द न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ये भी ठीक है। स्टेबिलिटी जो होती है न्यूक्लियस की डिटरमाइंड बाय दी न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो से निकालते हैं। शेप ऑफ द न्यूक्लियस कैलकुलेटेड बाय क्वाड्रुपल मोमेंट एंड स्पिन ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड अपॉन मास नंबर, होल मास जो होता है एटम का में मानते हैं सपोज टू बी कंसनट्रेटेड इन ए न्यूक्लियस। इसके बेस पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको बताना है। पहला क्वेश्चन क्या देखो, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर फोर्सेस, तो यहाँ पे इसकी वे आपको लिखना है न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स होता क्या, एक छोटा सा आपका एक नंबर में तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, न्यूक्लियर फोर्स क्या है, विच एग्जिस्ट बिटवीन, विच एग्जिस्ट विच, आप पूरा बिटवीन लिखना, बिटवीन दी प्रोटोन, बिटवीन दी प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस टू कीप देम टुगेदर, टू कीप देम टुगेदर। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई है, इतना काफ़ी था। अब सेकंड वाला देखिए, आपका सेकंड वाला ऑब्जेक्टिव दिया गया है, ए फोर्स बिटवीन टू प्रोटोन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स बिटवीन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन, नेचर ऑफ फोर्स कैसा है, तो आपको पता है नेचर ऑफ फोर्स अभी बताया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज है, कैसा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज, इनके बीच में कैसा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज, ये इसका आंसर हो गया। तीसरा देखिए, ऑल दी न्यूक्लियन इन दी एटम हेल्ड बाई, न्यूक्लियन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो वर्ड न्यूक्लियन यूज किया है, न्यूक्लियन यहाँ दोनों के लिए जो है, प्रोटोन के लिए और न्यूट्रॉन दोनों के लिए कहते हैं, तो यहाँ पे सभी के सभी जो न्यूक्लियर फोर्स किसके द्वारा ये आपस में बंधे हुए हैं, यहाँ का भी आंसर क्या है, न्यूक्लियर फोर्सेज है, तो तीसरे का भी ये आंसर होगा। फोर्थ क्या है, हाउ इज़ दी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस रिलेटेड टू मास नंबर, तो मैंने बताया था आपको, ध्यान हो आपको, एक फार्मूला आपका आर होता है, आर नोट ए की 1/3 लिखवाया था कि आपका जो वह जो आपका साइज होता है, यानी जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मास नंबर के, मास नंबर के, इसका मतलब वॉल्यूम क्या है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके हैं, ए के होता है, और वॉल्यूम कितना होता है, 4/π r³ होता है, तो वहाँ से अगर ये निकालेंगे रिलेशन आपको मिलता है, ठीक है, यही बताना था आपको जो है। अब इसके बाद यहाँ पे जो ये आर नोट, इसको क्या बताते हैं, इम्पेरिकल कॉन्स्टेंट कहते हैं, आर क्या आपका यहाँ पे ये जो आर नोट है उसको बोलते हैं इम्पेरिकल कॉन्स्टेंट, इम्पेरिकल कॉन्स्टेंट लगभग वैल्यू होती है 1.2 FM के बराबर होती है फर्मी के। अब अगला जो आपका इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ टू न्यूक्लियर हैविंग मास नंबर इन 1:3, तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसका और वाला पार्ट जो है, इसका जो और वाला पार्ट है फोर्थ का, और वाला पार्ट कौन सा क्वेश्चन है आपका, 32nd क्वेश्चन है
20 सेट है आपका। तो यहाँ पे जो दी गई है, देखिए मास नंबर की जो रेशो दी गई है ये कितनी दी गई है, 1/3 दी गई है। पूछी क्या आपको, डेंसिटी पूछी है, तो आप याद रखिए जो डेंसिटी होती है सभी के लिए सेम रहती है, डेंसिटी रिमेन कॉन्स्टेंट, डेंसिटी जो हम मानते हैं रिमेन सेम है फॉर ऑल न्यूक्लियाई, लगभग 10^17 kg/m³ होती है। तो इसका मतलब जो रेशो होगी डेंसिटी की, जब डिपेंड नहीं करती तो कितनी आएगी, 1/1, यानी डेंसिटी रेशो क्या है, डेंसिटी रेशो 1:1 होगी, ये आपका आंसर हो गया है। तो ये था आपका 20 सेट के केस स्टडी क्वेश्चन। ना हमारा सेक्शन जो आपका सेट सी है उसका जो केस स्टडी वाला डी सेक्शन करते आइए। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 31st question है, वो क्या दिया गया है ये देखिए। आपको ये दिया गया है, ये आपका 31st question है। तो इसके अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का दिया गया है, क्या दिया गया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम देखते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यस्टरडे व्हेन आवर ड्राई हेयर ड्रेस्ड विद ए प्लास्टिक कॉम हेयर गेट चार्ज्ड, लाइटिंग इज पावरफुल फॉर्म ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एटम आर मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, द न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स टुगेदर फॉर्म न्यूक्लियस, पढ़ा हमने ये, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, स्टैटिक चार्ज इज फॉर्म्ड व्हेन टू सरफेस रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, आपने पढ़ा है जब टू ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज एक्वायर कर लेते हैं, एक लूज करता है एक गेन करता है। तो इसी के बेस पे आपके ये केस स्टडी है। तो देखिए सबसे पहले वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच एटॉमिक पार्टिकल मूव वन सरफेस टू अनदर इन ऑर्डर टू फॉर्म स्टैटिक चार्ज। तो मैंने बताया ना इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, यानी हमारा आंसर क्या होगा, कोई पार्टिकल आपका पॉजिटिव नेगेटिव होगा, किस पे डिपेंड करेगा, आपने चार्ज कैसे लूज़ किया है। जो पार्टिकल लूज़ करेगा, जो लॉस करेगा उसको क्या होगा, बिकम पॉजिटिव होगा, और जो गेन करेगा चार्ज पार्टिकल वो क्या होगा, बिकम नेगेटिव होगा। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर टेक प्लेस होता है। अगला है व्हाट इज़ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इलेक्ट्रिसिटी दैट फ्लो इन वन डायरेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी दैट कॉन्स्टेंटली चेंज डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या आपका सी ऑप्शन आएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन दी सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये है आपका, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन दी सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यही कहते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी है। जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका वो क्या देखिए, थर्ड क्वेश्चन इसका, व्हेन ए चार्ज रोड इज ब्राउट नियर ए न्यूट्रल पेपर पीस देन चार्ज रोड। अब देखिए आपका बैग क्या आपकी न्यूट्रल है, आपकी न्यूट्रल रोड है, व्हेन चार्ज रोड है, ये आपकी कोई रोड है, एक न्यूट्रल पेपर के पास लेके आते हैं, ये कोई पेपर है आपका मान लीजिए, इसको पास ही क्या चार्ज है मान लो, इसको पास लेके आएंगे न्यूट्रल को लेके आएंगे तो क्या होता है, ड्यू टू इंडक्शन इधर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, इधर क्या है फादर्स पे पॉजिटिव हो जाएगी, तो क्या करेगी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी ये, भागेगी, तो हमारा आंसर क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगी इसकी तरफ जो है, तो आंसर क्या होगा, अट्रैक्ट दी पेपर पीस। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने पढ़ा था तो आपके जो इसके अंदर देखो एयर फिल्टर है, फोटोकॉपियर है, लेजर प्रिंट है, सभी के अंदर ये यूज़ होता है, तो क्या है ये सब इसकी एप्लीकेशन है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, एयर फिल्टर्स, लेजर प्रिंटर और आपके फोटोकॉपियर जितने भी आप यूज़ करते हैं सभी के अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं। अगर ये नहीं करना अथवा वाला कर सकते और वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जिसमें एग्जाम्पल है देखिए, इलेक्ट्रिसिटी फॉर योर लाइट बल्ब नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक सॉकेट इन योर होम ये भी नहीं है, योर पेंट स्टिकिंग टू द लेग्स, रबिंग जब भी होती है तो हमें पता स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, तो क्या है सी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन था आपका सी सेट का 31st केस स्टडी क्वेश्चन। इससे अगला 32nd वाला केस स्टडी क्वेश्चन जो है
और देखिए अगला जो क्वेश्चन जो आपका केस स्टडी का 32nd क्वेश्चन है, ये आपका सेट कौन सा चल रहा है? सी सेट है आपका ये। सिलिकॉन जर्मेनियम इन ए प्योर फॉर्म इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की है। इन सेमीकंडक्टर वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड सेपरेटेड बाय एनर्जी गैप से होते हैं, इसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, हमने पढ़ा था। द एनर्जी गैप इज लार्जर फॉर सिलिकॉन दैट ऑफ जर्मेनियम। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल बी लाइक एन इंसुलेटर एट टेम्परेचर जब आपका एब्सोल्यूट होता है। इफ़ द इंटरनल इफ द थर्मल एनर्जी एट हायर टेम्परेचर विच एक्साइट सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड ए स्मॉल अमाउंट से फ्यू पार्ट पर मिलियन ऑफ स्टेबल प्योरिटी एडिड टू प्योर सेमी कंडक्टर, तो कनेक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर बढ़ जाती है मैनीफोल्ड। हमने पढ़ा है इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद, डोपेंट ऐड करने के बाद एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर बनाते हैं। तो ये टॉपिक आपका सेमी कंडक्टर डिवाइस का है, सेमी कंडक्टर डिवाइस जो आपका डिवाइस से है। तो देखिए क्वेश्चन क्या, पहला इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स क्या होते हैं, याद रखिएगा इक्वल होते हैं, यानी क्या होता है इक्वल होते हैं, यानी जो आपके वो भी बताया था आपको ns क्या होता है ne के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, बताया था आपको जब आपका जो रेजिस्टिविटी है और रेजिस्टेंस क्या होता है सेमीकंडक्टर का, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो r क्या होता है ये डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस। तो रो क्या है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये क्या है ये भी डिक्रीजेज होती है। तो सेमीकंडक्टर के लिए क्या होती है आपकी ये डिक्रीजेज होती है। तो आंसर क्या हो गया ए इज द राइट आंसर। विच डोपेंट कैन नॉट बी यूज टू मेक जर्मेनियम ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, भाई पी टाइप बनाने के लिए मैंने बताया था पी टाइप को जो बनाने हैं तो क्या होता है पी टाइप के लिए 13 ग्रुप यूज़ करते हैं, 13th ग्रुप यूज़ करते हैं, यानी ट्रीवेलेंट इम्प्योरिटी कौन सी है भी? बाल, गंगा, इंडिया, तिलक ये यूज़ करते हैं। तो इसमें आप देखिए इन से अलग जो होगा वो आपका आंसर है। तो दिखाई दे रहा है पी जो फॉस्फोरस है ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, तो ये आपका एन टाइप बनाने में काम आता है। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, याद रखिए नेट चार्ज क्या होता है हमेशा जीरो होता है, चाहे वो पी टाइप हो या एन टाइप हो हमेशा क्या होगा आपका जीरो होगा। इसका जो और का ऑप्शन है देखिए व्हाट इज़ डोपिंग, तो डोपिंग क्या है भाई एडिशन है, यानी डोपिंग क्या है डोपिंग, डोपिंग है आपकी आपकी प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर, टू द प्योर सेमी कंडक्टर कंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। तो बस आपका ये था आपका सी पार्ट का सेकंड केस स्टडी क्वेश्चन, इतना ही आपको करना था। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेट डी से, डी सेक्शन से केस स्टडी क्वेश्चन 31 क्या है ये अभी करते हैं। यहाँ पे भी आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, क्वेश्चन क्या देखिए क्या दिया गया है। द लार्ज स्केल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज डन विद यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर, हाँ द वोल्टेज आउटपुट द जनरेटर स्टेप्ड अप सो दैट करंट इज रिड्यूस कंसिक्वेंटली, जो पावर लॉस है कट डाउन, इट इज देन ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस टू एरिया सबस्टेशन नियर द कंज्यूमर, there the voltage step down, it is further stopped down at distributing substation utility poles before a power supply 240 volt reaches our home। तो ये होता है कि लार्ज स्केल ट्रांसमिशन के लिए भाई जहाँ पे पावर स्टेशन वहाँ पे पावर जनरेट की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, उसको लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ता है स्टेप अप करना पड़ता है, यानी वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ता है। लेकिन घरों में क्या है हमें जो घरों के अंदर डोमेस्टिक सप्लाई हम 240 वोल्ट करते हैं उसके बाद उसको ट्रांसमिशन करने के बाद उसको दोबारा स्टेप डाउन किया जाता है, यानी वोल्टेज को कहाँ लेकर आया जाता है 240 वोल्ट पे। इसी ट्रांसफॉर्मर का ये आपका पैराग्राफ इसके बेस पे जो क्वेश्चन है फर्स्ट देखिए, ए ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो याद रखिए किस पे काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे करता है। बताई थी आपकी इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होती कोयल होती है,
प्राइमरी कोयल, सेकेंडरी कोयल, ध्यान हो आपको, ये P1, P2, S1, S2, और आपकी इनपुट यहाँ पे ऐसी, यहाँ पे इनपुट फीड की जाती है, आउटपुट यहाँ लेते हैं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे डिपेंड करता है। सेकंड है, क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज्ड इन ए ट्रांसफॉर्मर, कौन सी क्वांटिटी आपकी बिल्कुल चेंज नहीं होती है। तो याद रखिए, आपकी इनपुट में जो पावर होती है, होती है आई पी, ई पी, इधर राइट में क्या होगा, ई एस, आई एस, तो करंट वोल्टेज चेंज होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो हमारा इसके अंदर क्या आएगा, सी, जब हम ट्रांसफ़र करते हैं क्वांटिटी रिमेन रहती है ट्रांसफॉर्मर में, फ्रीक्वेंसी। द बेस्ट मटेरियल फॉर कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, सबसे जो हम बेस्ट यूज़ करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं, तो आंसर क्या है, सॉफ्ट आयरन है। नेक्स्ट है, इन अ ट्रांसफॉर्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इज 140, दैट इज इन सेकेंडरी 280। इफ़ करंट इज इन प्राइमरी 4 एम्पियर, देन सेकेंडरी के अंदर करंट क्या होगा। तो देखिए, एक सिंपल सा फार्मूला आप इसको याद कर लीजिए, हमें ये पता है जो इनपुट पावर होती है, जो इनपुट पावर मैंने बताया था आपको, तो इनपुट पावर ये होगी आई पी ई पी, ये क्या वोल्टेज है, ये आउटपुट पावर ई एस आई एस, इनकी जो अगर हम रेशो देखिए, ई एस बाई में ई पी, ये आई पी बाई में आई एस, और एन एस बाई एन पी, ये नंबर ऑफ टर्न, ये रेशो होती कॉन्स्टेंट होती है, केस दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, यहाँ पे हमें जो लेना है यही लेना है कि आपकी आई पी बटे आई एस और नंबर ऑफ टर्न दिए गए हैं, ये हम इसका कंसेप्ट का हम यूज़ करेंगे, ये वाला। तो देखिए यहाँ पे एन एस कितना है, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कितनी दे रखी है, 280 है, प्राइमरी में कितनी, 140 है। करंट जो दिया गया है, करंट अगर आप देखेंगे आई पी कितना दिया, 4 एम्पियर दिया है, और आई एस हमें निकालना है। तो जो आई एस आप यहाँ से निकालेंगे, देखिए ध्यान से, ये आपका यहाँ इसको कार्टून में आपको देखिए कितने पे गए, 2 पे, और ये 2 एकम 2, 2 दूनी कितना आ गया आपका, 4, तो आई एस कितना आ गया, 4/2, यानी कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो आपका आंसर क्या है, 2 एम्पियर। तो ऑप्शन देखिए कौन सा होगा आपका, ऑप्शन विल बी, ये हो गया आपका बी विल बी द ऑप्शन। इसके बाद देखिए, द कोर ऑफ एनी ट्रांसफॉर्मर इज लेमिनेटेड, लेमिनेटेड की जाती है, आपने देखा होगा कुछ इस तरह की हम कोर इसकी बनाते हैं, कुछ इस तरह से, ध्यान दिया हो आपने, किस लिए करते हैं, याद रखिए, रिड्यूस एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट, ये मैंने बताया भी था आपको, रिड्यूस करने के लिए लॉस को प्रोड्यूस जो होता है एडी करंट की वजह से। तो ये था आपका फर्स्ट 31st केस स्टडी क्वेश्चन। नेक्स्ट जो 32 केस स्टडी क्वेश्चन है, ये देखिए, अब देखिए आपका 32nd क्वेश्चन जो दिया गया डी सेट को, क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे दिया गया है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने क्या एविडेंस दिया था, स्ट्रेंज फैक्ट की लाइट इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ, और ये क्वांटा सी बनी होती है पैकेट ऑफ एनर्जी से, जिसकी एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू होती है, ये भी हमने पढ़ा है, ई इजल टू एच न्यू, लाइट ऑफ क्वांटा एनर्जी टू एसोसिएट विद पार्टिकल, इन सर दिखाता है, आइंस्टीन अराइव्ड एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट, लाइट क्वांटम कैन आल्सो बी एसोसिएट विद मोमेंटम, तो ये मोमेंटम का फार्मूला है। दिस पार्टिकल वाज लेटर नेम्ड फोटोन कहा गया, इच फोटोन मूव विद स्पीड ऑफ लाइट सी, फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स है एंड डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है। तो प्रॉपर्टी भी दी गई है आपकी, यहाँ पे जो टर्म है क्वांटा, ये आपकी वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है आपकी, देखिए इसमें आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट लिया गया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए क्या है, विच वन अमंग फॉलोइंग शोज पार्टिकल नेचर ऑफ नाइट, तो उन्होंने बताया ये चैप्टर आपका पूरा डील ही करता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ये आपका पार्टिकल नेचर शो करता है, बाकी तीनों वेव नेचर को शो करते हैं। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोटोन इनकरेक्ट, तो फोटोन क्या है आपकी, ये आपकी देखेंगे ध्यान से, भाई फोटोन एग्जर्ट नो प्रेशर, मोमेंटम यहाँ पे आ गया, देखो मोमेंटम यहाँ पे दिया गया, तो मोमेंटम ठीक है आपका, और वैसे भी निकाल सके, अगर आपको निकालना है तो आइंस्टीन रिलेशन यूज़ कर लेना, भाई आपका एच जो न्यू था ये क्या होता है, एम सी स्क्वेयर होता है, ध्यान हो आपको, फोटोन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ये भी ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होती है, एच न्यू, ये भी ठीक है। तो बच्चा कौन सी, फोटोन एग्जैक्ट नो प्रेशर, ये रोंग है, जब ये इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है इसका मतलब क्या है, प्रेशर एग्जैक्ट करता है, तो हमारा जो इनकरेक्ट कौन सा है, फोटोन एग्जैक्ट नो प्रेशर। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन इसका क्या है, रेस्ट मास
जो आपका रेस्ट मास होता है फोटोन का वो कितना होता है, याद रखिए जीरो होता है। तुम्हारा आंसर कौन सा है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन होता है जीरो। फोर्थ क्वेश्चन इन ए फोटो पार्टिकल, फोटोन पार्टिकल कोलिजन, फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी कंजर्व्ड, कौन सी चीज़ कंजर्व नहीं रहती है। तो याद रखिए इसके अंदर एनर्जी कंजर्व रहती है, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, तो नंबर ऑफ फोटोन ये कंजर्व नहीं रहता है क्योंकि ये क्या है, चेंज होते हैं। तो आंसर क्या है, ये है आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, इसका एक न्यूमेरिकल दिया गया, देखिए आप ये न्यूमेरिकल मैं यहाँ हल कर देता हूँ, आपका यहाँ ले लेते हैं न्यूमेरिकल जो है। क्या क्या दिया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन इन 6.62 जूल ऑफ रेडिएशन एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी 10^12 हर्ट्ज। तो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन निकालने, देखिए आपको क्या निकालने, नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं। तो जो जो दिया है आपको यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे जगह की वजह से यहाँ निकाल रहा हूँ, आप देखिए क्या दिया गया है। भाई हमें पता है जो ई जो होती है ये होती है, याद एच न्यू होती है, वैसे तो मैंने आपको बताया है, लेकिन अगर फोटोन की संख्या दी गई हो तो हम इसको लिख सकते हैं एन एच न्यू। तो हमारा मकसद क्या निकालना है, एन ई निकालना, तो ये क्या हो गया, ई बाई एच न्यू बन गया आपका। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वैल्यू आपको ई कितनी दी गई है, 6.62 दी गई है, और जो वैल्यू होती है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट कितनी होती है, 6.62 होती है 10^-34 ये होती है। और फ्रीक्वेंसी देखो आपको, ये फ्रीक्वेंसी दी गई, न्यू कितनी दी गई है, 10^12 हर्ट्ज दी गई है। तो यहाँ पे रख देते इसको भी 10^12। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए आपका ये आपका 6/6 कट गया आपका, तो ये ऊपर जाएंगी तो टोटल पावर अगर देखा जाए तो आपकी यहाँ पे ये हो गया 1, नीचे कितनी बच गई आपकी 12, देखो पॉजिटिव है, ये क्या है नेगेटिव है, तो 10^12 कितनी आएगी, भाई घटाएंगे इसके अंदर से तो 22 आ गई, माइनस का 22, तो ऊपर जा कितना हो गया, पॉजिटिव 10^22, तो एन कितना आया, 10^22 आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपका, एन की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 10^22, तो ये आपका इसका आंसर। नंबर ऑफ फोटोन जो हो गया आपके, उसकी संख्या कितनी है, 10^22 है। तो ये आपका केस स्टडी डी का ख़त्म हुआ, 32nd क्वेश्चन। नाउ देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, ये सीबीएसई ने एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर जारी किया है 2023-24 का, एक केस स्टडी क्वेश्चन है, 29th क्वेश्चन। आप रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली पढ़िए। क्या कहते हैं, आपके फॉरमोस्ट मोबाइल डिवाइस जो होते हैं, जो वोल्टेज को टू रिचार्ज बैटरी ये टिपिकली 5 वोल्ट डायरेक्ट करंट लेती है। इन इंडिया करंट सप्लाई टू अवर होम्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज 220 मिलती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। फातिमा ने एक डिज़ाइन किया है सिंपली वर्जन ऑफ मोबाइल फ़ोन चार्जर का। सी मेड ए सर्किट यूजिंग ए सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर, यहाँ देख रहे हैं आप ट्रांसफॉर्मर, टू सिमिलर सिलिकॉन डायोड D1 D2 एज शोन इन फिगर। स्टडी द डायग्राम बिलो, आंसर क्वेश्चन देने हैं आपको, इस डायग्राम को देखिए। ये इधर वाला हिस्सा क्या आपको दिखाई दे रहा है, आपका फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे बैटरी ऑफ फ़ोन है। तो पहला क्वेश्चन ये है आपका, अगर आप देखें, कैन फातिमा आल्सो चार्ज द बैटरी ऑफ फ़ोन बाय कनेक्टिंग द बैटरी डायरेक्टली टू एसी पावर सप्लाई। तो डायरेक्टली तो नहीं कर सकती, तो आंसर क्या है क्या, नो। अब अगर कोच पूछे तो आप दे सकते हैं, भाई आपकी मोबाइल डिवाइस को क्या चाहिए, द मोबाइल डिवाइस क्या चाहिए उसको, रिक्वायर 5 वोल्ट DC चाहिए, 5 वोल्ट DC सप्लाई चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो, देखो ये लाइन देखिए, कनेक्टिंग दी बैटरी डायरेक्टली, अगर बैटरी को डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे, इफ कनेक्टिंग फोन डायरेक्टली, मीन्स क्या है, डायरेक्टली मीन क्या हुआ, एक्सेस फ्लो ऑफ करंट, एक्सेस फ्लो ऑफ करंट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, लार्ज अमाउंट
यानी हो गया ना आपका, जैसे नो मोबाइल डिवाइस को 5 वोल्ट DC चाहिए, इफ कनेक्टिंग फोन डायरेक्टली मीन्स का मतलब एक्सेस फ्लो करंट, और जहाँ करंट ज़्यादा वहाँ पे क्या होती है, कंजप्शन ऑफ हीट ज़्यादा होती है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस का मतलब क्या है, फ़ोन क्या हो जाएगा आपका, डिस्ट्रॉय, फोन डिस्ट्रॉयड, तो हम नहीं कर सकते। तो फर्स्ट का ये ना, सेकंड इक्वेशन क्या दिया गया, दी ग्राफ दिया गया आपको, देखो पोटेंशियल बैरियर का, ये वी एक्स वाला आपका बैरियर विड्थ दी गई है, यहाँ पे एक्स, ये वी है, विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन एक्स है, डी वन अनबायस्ड है, अनबायस्ड, अनबायस्ड का मतलब क्या, इसको रिवर्स बायस कर दिया है, क्या हो गया, रिवर्स्ड बायस्ड, और रिवर्स बायस में क्या काम करेगा नहीं, कंडक्ट करेगा नहीं। तो जो विड्थ होगी आपकी, अगर हम बात करें यहाँ पे, जब आपकी रिवर्स बायस में काम करता है डी वन, ये रिवर्स बायस, मीन क्या है इसका, मीन ये है कि आपका जो विड्थ है, डिप्लेशन रीजन विड्थ, डिप्लेशन रीजन विड्थ, ये क्या होगी आपकी, ये इंक्रीज हो जाएगी, और ये इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल बैरियर की भी इंक्रीज हो जाएगी, तो जो पोटेंशियल बैरियर है ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो था आपका, ये इसका आंसर है। अब इसके बाद जो आपका, अगर ये आपको नहीं करना है तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ये अथवा वाला कर सकते हैं, ये वाला देखिए, और वाला, इफ़ बैटरी ऑफ फोन डायरेक्टली कनेक्टेड टू आउटपुट टर्मिनल ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर विल इट चार्ज, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, भाई हमारी जो एसी, हमारे पास तो क्या है, एसी है, और एसी कैसे काम करती है, इस तरह, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ क्या है पॉजिटिव, सेकंड हाफ नेगेटिव। तो अगर मान लो अब आपका एसी करंट है यहाँ पे, अगर हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या, अगर मान लो बैटरी फोन डायरेक्टली कनेक्टेड है, बैटरी ऑफ फोन डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो हो सकता है वन साइकिल में, फॉर वन साइकिल, फॉर वन हाफ साइकिल, यानी हाफ साइकिल कर लेते, फॉर वन हाफ साइकिल फोन चार्ज हो सकता है, फोन विल बी चार्ज्ड, बट नेक्स्ट हाफ साइकिल में, नेक्स्ट हाफ साइकिल में अब डिस्चार्ज होगा, क्योंकि पोलैरिटी बदल गई है, फोन विल डिस्चार्ज। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलती रहेगी, और चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलती रहेगी तो चार्जिंग ऑफ बैटरी विल नॉट टेक प्लेस, यानी नेट क्या है आपका, अगर चार्जिंग ऑफ फोन विल नॉट टेक प्लेस, आप सीधा आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, तो समझाने के लिए बताया आपको, आप डायरेक्ट इसका ये लिख सकते थे, बस पॉइंट टू पॉइंट आप आंसर दे सकते हैं, चार्जिंग ऑफ फोन विल नॉट टेक प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, अब व्हाट विल बी द आउटपुट, व्हाट विल बी द आउटपुट अक्रॉस द फोन बैटरी व्हेन द ओरिएंटेशन ऑफ डी टू इज रिवर्स्ड इन फिगर वन एंड सेंटर टैप थ्री आउटपुट ट्रांसफॉर्मर इज रिप्लेस्ड बाई टू आउटपुट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे, अगर इसका मतलब क्या, अगर आप डी टू को अगर आप देखिए, क्या क्वेश्चन है आपको, व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी ओरिएंटेशन डी टू इज रिवर्स्ड, अगर डी टू को रिवर्स कर दिया, इधर कर दिया, तो बोथ डी वन डी टू क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस होंगे वन हाफ साइकिल के लिए, अदर हाफ साइकिल के लिए रिवर्स बायस होंगे, तो कॉम्बिनेशन एक टाइप से क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर का काम करेगा। तो इसने पूछा है देखिए, जस्टिफाई योर आंसर ना, सेंटर टैप्ड आउट फॉर इज रिप्लेस्ड बाय टू ऑफ स्टेप ट्रांसफॉर्मर, व्हाट विल बी द आउटपुट फ्रीक्वेंसी बतानी है,
ये बतानी। तो यहाँ पे जो आपका है क्वेश्चन क्या है, यानी आपका मैं अभी बताया था आपके लिए, ये फर्स्ट हाफ साइकिल यानी कि वन हाफ साइकिल के अंदर आपका क्या होगा, बोथ फॉर वन हाफ साइकिल वही सेम है आपका, डी वन डी टू फॉरवर्ड बाइस होंगे और अदर हाफ के लिए फॉर अदर हाफ साइकिल जो होगा आपका D1 D2 रिवर्स बाइस काम करेंगे, रिवर्स बाइस्ड। इसका मतलब ये क्या कॉम्बिनेशन है आपका, ये तो कॉम्बिनेशन हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर होता है, ये क्या बन गया, हाफ वेव रेक्टिफायर। और हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हमारी अभी जो फ्रीक्वेंसी होगी आपकी, जो फ्रीक्वेंसी आउटपुट वोल्टेज की आएगी, गिवन कितनी है, 50 हर्ट्ज है, तो 50 हर्ट्ज आपका ये आंसर होगा आपकी। तो ये था आपका फर्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन। नेक्स्ट है, और नेक्स्ट देखिए आपका 30 क्या दिया गया है, व्हेन लाइट रेज फॉल होती है ग्लास पे अबाउट 4% ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड, टू एलिमिनेट द रिफ्लेक्शन ग्लास डिस्प्लेस केसेज इन म्यूजियम यूजली हैव एन एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग की जाती है, दिस वर्क्स ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए कोटेड ग्लास लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ द कोटिंग, दिस टू रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज कैन इंटरफियर टू रिड्यूस रिफ्लेक्शन, थिकनेस एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोटिंग आर एडजस्टेड सच दैट जो लाइट रेज अंडरगो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, ये दो डायग्राम देखिए आपकी, ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, ये जो सर्फेस इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 है, यहाँ पे देखो कोटिंग की गई है, एक आपका देखो ये वाला है, ये दोनों डायग्राम अगर आप देखेंगे कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, आपका सेम ही है, आपका रिपीट हो गया है। तो आपका अगर आप देखें फर्स्ट यहाँ से लाइट इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड होती है, अब इसके बाद कोटिंग करेंगे यहाँ से, ये इस तरह जाके इस तरह ही आपका। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपका पैराग्राफ यहाँ है आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट अंडर गोज 180 फेज शिफ्ट एंड इट फॉल्स ऑन से डेंस मीडियम फ्रॉम ए रेयर मीडियम एंड नो फेज शिफ्ट विल इट फॉल ऑन रेयर मीडियम फॉर ए डेंसर मीडियम, थिकनेस क्या कोटिंग की मच लेस ग्लास है, आंसर देने आपने क्वेश्चन के, जब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट होती है कोटिंग ऑफ थिकनेस टी एट ए स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड N1 N2 N3 क्या है आपका, देखो इनका जो ट्रेंड है वो क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, और हम कंसिडर यहाँ पे जो थिकनेस मानते हैं जो पी क्यू जो आपकी स्लैब, इसकी हम टी मान लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इफ देयर इज नो कोटिंग ऑन द ग्लास, द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द केस लुक्स डिसऑर्डर्ड, द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट बिहाइंड द ग्लास केस अपीयर्स डल, ए रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ग्लास केस इज सीन ऑन द केस। तो ये आपका ये आंसर होगा सी, द रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट का होगा इन फ्रंट ऑफ ग्लास केस सीन ऑन द केस पे दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वट इज़ द पाथ डिफरेंस बिटवीन रेज 1 एंड 2, अगर आप यहाँ देखेंगे ये जो आपका डायग्राम देखेंगे तो पाथ देखिए, जो आपने पूछा क्या है, वट इज़ द पाथ डिफरेंस बिटवीन रेज 1 एंड 2, और पी क्यू क्या आपकी टी दे रखे है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपका पाथ डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो देखिए आपका कितना होगा, यहाँ पे लगभग ये जो टी है, टी लगभग कितना है, दोगुना है, तो आपका जो कितना आएगा पाथ डिफरेंस 2t, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, फॉर व्हाट मिनिमम थिकनेस ऑफ कोटिंग डू द टू रेज 1 एंड 2 अंडरगो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, रिमेंबर द वेवलेंथ ऑफ लाइट रेज चेंजेज एज इट मूव फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर। तो यहाँ पे मिनिमम थिकनेस जो कोटिंग की है दोनों के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो हमें क्या बताना है, देखिए मिनिमम थिकनेस कितनी होगी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा अगर आप देखें, तो देखिए मैंने बताया था आपको, ध्यान हो आपको, कि आपकी जो फ्रिंज विड्थ है जब हम इमर्ज करते हैं, ये फार्मूला क्या होता है आपका, ये कितना होता है लैम्डा बड़ा डी बाई छोटा डी होता है। तो कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया, अगर हम देखें तो ये लैम्डा
ठीक है। और आपका इसके अंदर लैम्डा कितना होगा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये बाई फोर है, यानी आपका बाई फोर, ये थर्ड आप अगर देखेंगे इसके अंदर तो लैम्डा बाई ये फोर, ये डी, और सॉरी ये डी आपका यहाँ पे लैम्डा डी बाई फोर, ये बड़ा डी बाई स्मॉल डी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, मान लिया हो गया हमारा एन टू, एन टू। अगर मैं साफ साफ लिख देता हूँ आपका आंसर कौन सा, ये आपका डी इज द राइट आंसर हो गया है। तो हम लिख सकते हैं क्या है आपका लैम्डा बाई फोर एन टू, ये जो आपका है ये आंसर होगा। अब और में दिया गया देखिए, अगर आप मान लो ये नहीं करना चाहते तो आप ये और वाला कर सकते हैं। तो और में क्या दिया गया है, फॉर मिनिमम थिकनेस ऑफ कोटिंग डू द टू रेज वन एंड टू अंडरगोज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है आपको पता है, जब पावर डिफरेंस क्या हो एन टाइम्स लैम्डा हो, और जो फेज डिफरेंस हो वो क्या है टू एन पाई, ये निकालते कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका होगा वो क्या होगा, यही होगा लैम्डा बाई टू एन टू, ये कंडीशन बनेगी जैसे ऊपर हमने किया था ये वाला। नेक्स्ट है इफ द मटेरियल्स ऑफ कोटिंग इज चेंज्ड सो दैट एन टू ग्रेटर देन एन थ्री, व्हाट विल बी द एडिशनल पाथ डिफरेंस कंपेयर टू पाथ डिफरेंस आइडेंटिफाई क्वेश्चन बी, जो बी था आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा लैम्डा बाई टू आएगा, तो क्या आंसर आएगा आपका लैम्डा बाई टू। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ध्यान से देखना है आपका जो पैराग्राफ को, ध्यान से पढ़ना है, उसको समझना है, उसके अकॉर्डिंग क्या आपको आंसर देने हैं। तो ये था एडिशनल आपका जो सीबीएसई ने जारी क्वेश्चन पेपर है उसके केस स्टडी क्वेश्चन।